इस वीडियो में अपन प्रोटिस्टा के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। प्रोटिस्टा इंक्लूड्स, प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड किया है? आपको पता है यूनिसेलर टू टाइप्स के हो सकते हैं, कि एक तो जो प्रोकैरियोट्स हो एंड सेकंड वन यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स हो उनको यूनिसेलुलर प्लस प्रोकैरियोट्स को तो बैक्टीरिया में रखा गया, जबकि यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट्स को किस में रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा इंक्लूड कौन हो गया? यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोट्स। विच ऑफ द फ्लोइंग किंगडम्स हैज नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज? तो आपको पता होना चाहिए प्रोटिस्टा में वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती। कैसे? जबकि प्रोटिस्टा पे दो साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट को क्या लगेगा कि इसमें क्लोरोफिल ए है, तो ये प्लांट हो सकता है, तो प्लांट लाइक भी हो सकते हैं। एंड सेकंड वन किसके तरह हो सकते हैं? प्रोटिस्ट लाइक भी, तो इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली क्या होता है? आपको इसके लिए क्या याद रखना है? पा, पी डबल ए, पास क्या याद रहेगा? प्रोटिस्ट क्या है? एक्वेटिक होते हैं एंड एरोबिक होते हैं। तो मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्ट आर एक्वेटिक, नियरली ऑल प्रोटिस्ट आर एरोबिक। पोषण के आधार पे प्रोटिस्ट क्या होते हैं? फोटोट्रोप्स हो सकते हैं, जबकि हेटरोट्रोप्स हो सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है युगलिना, युगलिना में क्या होगा? युगलिना को जब लाइट प्राप्त होती है तो ये क्या करता है? फोटोटोट्रोप्स। जबकि लाइट की एब्सेंस में ये अपना शिकार खुद करता है और भोजन प्राप्त करता है। मतलब कि ये कौन सा है? ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स में कौन सा? फोटोटोट्रोप्स प्लस हेटेरोट्रोप्स। बेस्ट अपॉन द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्ट आर ग्रुप्ड इनटू, कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है? देखो, प्लांट लाइक भी हो सकता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये प्लांट लाइक भी हो सकता है, एनिमल लाइक भी हो सकता है। कैसे? कि ये अपना शिकार भी करता है, एंड प्रोटोजोन्स इसका एग्जाम्पल हो सकता है, एंड फंगस लाइक भी हो सकता है कि ये दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करे। विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा किसको रखा गया? तो ना ये पांच प्रकार की ग्रुप एनसीईआरटी में प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। कौन कौन से? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, स्लाइम मॉड, प्रोटोजोन्स एंड यूग्लिनोइड्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आल। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्टा, तो ये एनसीईआरटी में अलग अलग ग्रुप जैसे क्राइसोफाइट या डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, इनके अंदर अलग अलग दे रखा है कि यूग्लिनोइड में फ्लेजिला होती है, पेरामिशिया में सीलिया होती है। इसलिए ना इनमें तीनों प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। कौन कौन से? फ्लेजिला, सीलिया एंड सुडोपोडिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? आल। प्रोटिस्टा फ्रॉम ए लिंक विथ, इसके लिए आपको ये डायग्राम याद रखना है कि प्रोटिस्टा यहाँ बीच में आएगा, नीचे बैक्टीरिया आएगा, ऊपर फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। तो किसके साथ लिंक हो सकता है? प्लांट के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ भी हो सकता है, एंड फंजाई। इसके साथ अगर बैक्टीरिया भी आता तो प्रोटिस्टा का लिंक बैक्टीरिया के साथ भी हो सकता है। तो क्या आएगा? प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चंस? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट्स में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सी में डबल डी इंक्लूड है, कौन कौन से? डायटम्स एंड डेस्मिड। क्राइसोफाइट में क्या क्या इंक्लूड है? डायटम एंड डेस्मिड्स। एंड इस ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि गोल्डन एल्गी किसको बोला जाता है? डेस्मिड। या फिर ये क्वेश्चन गोल्डन एल्गी किसका एग्जाम्पल है? तो आपको डेस्मिड भी लिखा हो सकता है, एल्गी भी लिखा सकता है। आप एल्गी देखकर एल्गी को टिक ना करें, किसको करना है? डेस्मिड्स को। विच ऑफ द फ्लोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एट लिस्ट सम प्रोटिस्ट, कौन सा रिप्रोडक्शन मोड होता है? तो इनमें बाइनरी फ्यूजन भी होता है युग्मलिना में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है कि स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, तो इसमें क्या आएगा? आंसर इज आल। बाइनरी फ्यूजन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। सिलेक्ट द फ्लोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम्स, डायटम्स में क्या अप्लाई नहीं होता? तो आपको पता होना चाहिए कि डायटम्स का ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है कि इसमें सिलिका की कड़ी पट्टियां पाई जाती है, इसमें ऐसे फ्लीजला होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, जबकि एक अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्शन भी होते हैं, इसमें फ्लीजला होती है। तो क्या लिखोगे? डायटम सेल वाल मै बी सिलिकॉन, ये सही है। सेल वाल इज मेड अप टू हाफ सेल्स फिट टाइटली टूगेदर, ये भी सही है। डायटम्स इज ए क्राइसोफाइट्स, ये भी सही है क्योंकि क्राइसोफाइट्स के अंदर रखा गया है डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम इज मल्टीफ्लेजिलेटेड, मल्टीफ्लेजिलेटेड नहीं होता डायटम्स, इट्स ओके। सिलिका जेल, सिलिका जेल, सिलिका जेल अर्थ इज ओबेंट बाई, किसके द्वारा प्राप्त होते? डायटम्स के द्वारा, डायनोफ्लेजिलेट्स के द्वारा, यूग्लिनोइड्स के द्वारा एंड
क्या है ऑप्शन, ब्राउन एल्गी के द्वारा। तो किसके द्वारा प्राप्त होती है, डाइटम्स के द्वारा, जो क्योंकि इसमें सिलिका की कड़ी पट्टियां पाई जाती है, जो कि इनके जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये तब भी ये जीवित रहती है। एक बार, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखते हैं इतने टाइम। दैट आइटम्स डू नॉट इजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी विक्यूज, क्योंकि इन पे सिलिका की वॉल प्रेजेंट होती है, तो ये मोस्ट ऑफ द इजिली डिके नहीं हो पाते हैं। जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन हो गया ना, सिलिका जेल, ये डायटम ही मर्दा भी बोलते हैं उसको, क्या होता है डायटम्स पे प्रेजेंट होती है, ये इजिली डिके नहीं हो पाती, क्यों, क्योंकि है ना दे हैव हाईली सीलियस वॉल, जो ये अर्थ होती है जिनको डायमेटाइम मर्दा भी बोलते हैं, उनको यूज्ड फॉर किसके लिए यूज आती है, किसके अलावा पॉलिशिंग में यूज आती है, ये भी एनसीईआरटी में, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, ये भी है, बायोगैस में इसका यूज नहीं होता, किस में होता है, पॉलिशिंग में होता है, साउंड एंड फायर प्रूफ रूम में भी होता है, यज्ञशामक के रूप में, ये वर्ड दे रखा है एनसीईआरटी में, फायर प्रूफ रूम एंड फिल्ट्रेशन एंड ऑयल्स एंड सिरप, ये भी है बायोगैस के लिए भी है, सॉरी बायोगैस के लिए नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायोगैस। क्राइसोफाइट्स आर फ्लेक्टोन्स, नेक्टोन्स, बेंथोनिक एक्टिव स्विमर्स। तो ये क्या होते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो प्लैक्टोन्स होते हैं, क्योंकि ये उस पे तैरते रहते हैं, किस पे, वाटर के पैंदे में नहीं बैठते, ये तैरते रहते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर के ऊपर तैरते हैं उनको प्लैक्टोन्स बोलते हैं, अगर पादप तैरता है तो उसको प्लैक्टोन्स, एंड जबकि जंतु तैरता है तो उसको क्या बोलते हैं, जूप्लैक्टोन्स। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन आर डायनोफ्लेजिलेट, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स एंड ग्रीन एल्गी। तो ये लाइन सबसे लास्ट पैराग्राफ में लिखी है कि चीप प्रोडक्शन इन समुद्र के सबसे मुख्य उत्पादक होते हैं डायटम्स। लास्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्ट आर, फोटोसिंथेसिस कौन से करते हैं, यूग्लिनोइड में है, क्योंकि इनमें बिगर जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनकी तरह क्लोरोफिल पाया जाता है, सेकंड डायटम्स में भी है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, एंड डायनोफ्लेजिलेट्स में भी, तो ये तीनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, बचा क्या प्रोटोजोवंस वगैरह, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। इससे पहले क्वेश्चन क्या आया था कि जो डायटम्स होते हैं उनमें भोजन कैसा होता है, तो हेटेरोट्रोप्स भी होता है एंड फोटोऑटोट्रोप्स भी होता है, तो क्या आंसर आएगा, यूग्लिनोइड्स, डायटम्स एंड डायनोफ्लेजिलेट्स। थर्ड वन, डायनोफ्लेजिलेट्स आर मोस्टली मराइन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल एंड सेपोरोफाइट। तो इसमें लिखा है डायनोफ्लेजिलेट्स मराइन होते हैं, डीएम, डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं, मराइन, ये भी एनसीईआरटी की लाइन, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, देखना इतना इजी पेपर आता है, अगर आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से रिवाइज करके जाते हो ना तो आपको आसानी से सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, तो मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। रेड टाइड्स इन वार्म कोस्टल वाटर, मतलब गर्म पैंदे में जो लाल जवार उठता है वो किसके कारण उठता है, तो वो भी डायनोफ्लेजिलेट्स के, और इसका ट्रिप्नोसोमा कुछ ऐसे दे, नहीं ट्रिप्नोसोमा नहीं, इसका एग्जांपल भी मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया, एग्जांपल भी दे रखा है डायनोफ्लेजिलेट्स जिसके कारण वार्म, तो रेड टाइड इज अक्यूज्ड, हाँ ये आ गया, तो गोनियोलैक्स के कारण होता है, क्या होता है, इसमें समुद्र होता है उसके पैंदे में से हॉट वाटर होता है, उसके पैंदे में से रेड रेड जवार उठता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड, तो डायनोफ्लेजिलेट्स, एंड किसके कारण होता है, गोनियोलैक्स के कारण, एग्जांपल है गोनियोलैक्स। डायनोफ्लेजिलेट्स है, डायनोफ्लेजिलेट्स क्या रखते हैं, ए सिंगल फ्लेजिलम इन द ट्रांसवर्स, नो मैंने बताया था डायग्राम से कि इनमें दो फ्लेजिला होती है, कौन कौन सी, एक तो ट्रांसवर एंड एक लॉन्गिट्यूडनल, ए सिंगल फ्लेज, नो टू फ्लेजिला वन लेस लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन द फेरो बिटवीन द वॉल प्लेयर्स, ये सी इज राइट। इन विच ऑफ द फ्लोइंग द सेल वॉल हैज स्टिप सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, तो डायनोफ्लेजिलेट्स ये मैंने बता दिया, डायग्राम ही याद रखो ना आप कि ये डायनोफ्लेजिलेट्स मतलब दो फ्लेजिला पाई जाती है, दो तो उस पे सिलिका की होती है, तो ये माइंड में रहेगा तो इससे आपको क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा कि एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्सली प्लस इस पे सिलिका का पटिया पाई जाती है और ये डायनोफ्लेजिलेट्स है, डाई यानी दो। विच ऑफ द फ्लोइंग
रिलीज टॉक्सिन दैट मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स लाइक फिशेज। फिशेज को गोनियोलैक्स, क्योंकि ये लाल ज्वार उत्पन्न करता है जो कि अदर जो एनिमल्स होते हैं जैसे फिश वगैरह उनके लिए हानिकारक होता है और कभी कभी ये डेथ का रीजन भी बन जाता है। ये भी एनसीईआरटी लाइन है। यूग्लिनोइड्स एग्जाम्पल यूग्निलार, तो ये पता होना चाहिए। ये बहुत क्वेश्चन, ये तो सॉरी नीट का है कि ये है ना इन फ्रेश वाटर और जो भी बहता हुआ जल, ताजा पानी जो भी बहता हुआ रनिंग वाटर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या रनिंग वाटर में प्रेजेंट होता है, कहाँ फ्रेश वाटर रनिंग वाटर होना चाहिए। फ्रेश वाटर तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ वो रनिंग भी होना चाहिए, मतलब बहता जल। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूग्लिना, यूग्लिना के बारे में कह सकते हैं। दे शो फ्लेजिलर लोकोमोशन, दे हैव ए रिजिड सेल वॉल, दे हैव नो क्लोरोप्लास्ट। नो ये गलत है क्योंकि वो क्लोरोफिल ए रखता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट रखता है। ये रिजिड सेल वॉल नो, इसमें पेलिकल पाया जाता है जो कि एक नरम होता है। दे आर ऑब्लिक्यूट ऑटोट्रॉप्स नो, तो क्या ऑप्शन हो गया सही। दे सो फ्लेजिलर लोकोमोशन, आपको पता है यूग्लिना में फ्लेजिला पाई जाती है और वो फ्लेजिला लोकोमोशन शो करते हैं। वो फ्लेजिला आया था तो मैंने बोला भी था ना यूग्लिना में। द अबाउट स्टेटमेंट आर अजिस्ट, तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल दे हैव ए पोर्शन रिच पेलिकल, पेलिकल का नाम आते हैं आपको क्या याद आना चाहिए यूग्लिना। तो ये किसके बारे में होंगे, यूग्लिना के बारे में सत्य हो गए, तो ऑप्शन में यूग्लिना भी होगा। तो ऑप्शन तो फर्स्ट पढ़ते आपको तो आंसर आ गया। दे हैव टू फ्लेजिला, ये भी सही है। ए शॉर्ट एंड ये लॉन्ग, ये भी सही। ये भी सारे एनसीईआरटी लाइन है। दे हैव मिजोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सही बात है कि ये लाइट की प्रेजेंस से फोटोऑटोट्रॉप्स वैसे हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेवियर करता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है कि मिजोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है उनमें। इन लाइट दे हैव फोटोसिंथेसिस, ये भी मैंने बता दिया। दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है कि योजक कड़ी किस किसके प्लांट